धार जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के अभियान के अंतर्गत कुल 22 किलोग्राम गांजा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3,30,000 रुपये जब्त किया गया है। मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम खंडलई से एक प्लेटिना मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सोहन पिता शिवा नरगेश भिलाला निवासी खंडलई व मुकेश पिता जसलिया मंडलोई भिलाला अपने साथ 3 प्लास्टिक की सफ़ेद थैलियों में गांजा भरकर ग्राम खंडलई से ग्राम काबरवा तरफ किसी बाहरी व्यक्ति को गांजा देने जाने वाले हैं। यदि तत्काल रोड पर नाकाबंदी की जाए तो उन दोनों व्यक्तियों को गांजे सहित पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही हेतु चौकी प्रभारी नारायण सिंह कटारा चौकी सिंघाना अपनी टीम के साथ सोनगांव फाटा ग्राम पिपली पहुंचे व नाकाबंदी कर वाहनों को चेक किया गया। कुछ देर बाद दो व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर 3 प्लास्टिक की सफेद थैलियां लेकर आते दिखाई दिए, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा। जिनके पास रखी 3 सफेद प्लास्टिक की थैलियों को चेक करते उक्त मादक पदार्थ गांजा होना बताया, जिनका वजन करते कुल 22 किलोग्राम गांजा जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3,30,000 रुपए होना पाया गया। मनावर से लोकेश जाधव की रिपोर्ट। ये काफी दिनों से जो है मादक पदार्थ की जो है आवाजाही की सूचना जो है प्राप्त हो रही थी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार आदित्य प्रताप साहब द्वारा जो है मुहिम जो है चालू की मालवी और उनकी टीम के द्वारा इस कार्रवाई के लिए लगातार वर्कआउट किया गया और इसमें कई तरह की हम लोगों ने टीम लगाई थी। कल मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सोनगांव फाटे पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।